नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में पहले चरण के चुनाव के लिए 19 अप्रैल को लोकसभा के मतदान हो गए हैं। इसके लिए सभी पार्टियां जीत के लिए पूरा दम लगा दिया था। इस बीच चुनाव को लेकर कई सर्वे भी आ चुके हैं जिसमें अलग अलग दावे किए गए हैं। TV9 के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल हो सकता है, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता खुल जाएगा। प्रदेश में दो केंद्रीय मंत्रियों जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और बाड़मेर से कैलाश चौधरी की हार हो सकती है। नागौर में बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और दौसा से कन्हैयालाल मीणा, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय और सीकर से सुमेधानंद सरस्वती भी हार का दावा किया है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को पूरे राजस्थान में कुल 19 सीटें ही मिलेगी, वहीं कांग्रेस को जोधपुर और दौसा सीटों पर जीत हासिल होगी। नागौर से RLP प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल, सीकर से माकपा प्रत्याशी अमराराम भी जीत सकते हैं, जबकि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर दिग्गज महेंद्रजीत सिंह मालवीय की हार की संभावना जाहिर की गई है। इससे पहले दो सर्वे रिपोर्ट भी आई थी। ABP-C वोटर के सर्वे में पिछले दो चुनाव की तरह बीजेपी के खाते में भी सभी 25 सीटें बताई गई हैं। वहीं लोक पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 17 से 19 और इंडियन ब्लॉक को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने की संभावना है।